हेलो जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका एक नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस, अभी मैंने आपको ये अलर्ट करना था इस वीडियो के, मैं आपके भाई को हूँ, आपके भाई की तबीयत हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा खराब। आपके भाई को बुखार था कल 103 पे, इसके वजह से आपके भाई को 2 ग्लूकोज की ड्रिप पे लगी है। इसकी वजह से मैंने वहाँ पे तो ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, निढाल हो चुका था आपको भाई। तो अभी मेरा जिस्म फुल फीवर में, आपको भाई आज कॉलेज भी नहीं गया, तो अभी कुछ था तो नहीं ब्लॉग बनाने, फिर भी ब्लॉग शुरू कर दिया। मैंने कहा यार एक दिन की छुट्टी नहीं करनी यार, वरना आप लोग उदास हो जाओगे। आपने हमारा ब्लॉग तो लाजमी देखा होता है दिन में, तो अभी कोई सेटअप लगाते हैं कि कॉमेडी के एपिसोड का। पाकिस्तान कल इंग्लैंड से जीत गए। आता है अच्छे दिन, लाजमी आते हैं, शेरों पे अच्छे दिन आ गए हैं आपसे कसम से। वैसे मुझे डर लग रहा था कि अगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर पे बात आ जाती ना, पाकिस्तान ने फिर रह जाना था। तो अभी सेटअप लगाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं कॉमेडी के एपिसोड में बैठ कर, तो यहीं पर मैं सेटअप कुछ लगाता हूँ। तो मित्रों, सहेलियों, बहनों, बेलियों, खुशखबरी है आप सबके लिए, पाकिस्तान मैच जीत गया और आप सबको मुबारक हो, बाबर की फॉर्म वापस आ गई, आए हाय आए हाय हाय हाय। और उनका कल स्ट्राइक रेट भी दोनों का 160 से ऊपर, जो उनके ऊपर तनकीद हो रही थी बाबर के ऊपर। यार कुछ मैंने वो भी देखी है पोस्ट, जिसके अंदर कह रहे थे कि बाबर को ड्रॉप करो। भाई क्यों करे ड्रॉप, अगर वो पूरा साल भी परफॉर्म ना करे तो फिर भी उसकी बड़ी सर्विस है। कल उसने प्रूफ करके दिखा दिया कि उसकी कितनी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए। ये जिन्होंने पोस्टें लगाई हुई है ना, ये सब उनके लिए पैगाम है। और दूसरी तरफ क्या धोया है इंग्लैंड को, चस ही आ गई है, चस। और दूसरी तरफ हमारा जो शेर बाबर और रिजवान, उससे भी उसका भरपूर साथ दिया। और ये इन्होंने जो वर्ल्ड के चार हाईएस्ट चेज है उनमें से तीन जो चेज 150 प्लस नॉन विकेट से हुए, उनमें से 2 पाकिस्तानियों ने हासिल किए। और इन दोनों की, इन चारों की पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट है पार्टनरशिप 192, 193, 197, 158 एंड 152। तो किसी को नहीं भूलती 2021 के वर्ल्ड कप की। आय हाय। आपका भाई बुखार में बैठ के इसी खुशी मना रहा है। ओए भाई, कल आपका भाई फिर भी मैच देख के सोया था। यार बाबर की कल फॉर्म वापस आ चुकी है उसकी, मुझे लगता है उसके हमको 14 बकरों का सदका दिया है। आपके भाई की बात मानी गई होगी, 14 बकरों का सदका दिया तो उसकी फॉर्म वापस आई है। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर बात हमारे मिडल ऑर्डर पर आ जाती तो कहीं हम रह ना जाते। और बॉलिंग, यार बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी फेल, लेकिन यार क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही होता है यार, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, यहाँ पे सिर्फ स्पिन बॉलर को विकेट सूट करती है। स्पिन बॉलर भी वो जब डे के टाइम में, क्योंकि फिर अंडर लाइट ड्यू के फैक्टर वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो सेकंड विकेट, फिर यार स्पिनर्स भी बॉल निकल रही होती है, आध दे मार दे साढ़े चार आठ दे जान दे बस। और आज के दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है, तो उसका मैच भी देखने में बहुत मज़ा आएगा, दोनों टफ टीमें। उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने भी 200 से ऊपर का रन चेस किया है, और कल पाकिस्तान ने भी किया। यार ये क्या क्या हो रहा है यार, एक मैच में 400 से ऊपर स्कोर बन रहा है। ओए, अब देखते हैं अगले T20I में क्या होता है। और जो और बाबर आजम ने और आकिब जावेद की भी एक पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि हम कि अगर हमारा कराची किंग्स के साथ मैच होता था लाहौर कलंदर्स का, तो अगर हम 180 का टारगेट देते तो हम खुद ही उनको आउट नहीं कर देते बाबर आजम को, ताकि हम अपनी मैनेजमेंट में ये प्लान करते थे अगर हमने 180 से ऊपर टारगेट दे दिया तो हमने बाबर आजम को आउट करना ही नहीं है, क्योंकि उसने उसका स्ट्राइक रेट वैसे इतना कम है। और दूसरी तरफ बाबर शेर की फॉर्म वापस, और उसने सब थिएटर्स के मुंह पे यूँ तमाचे मारे हैं, यूँ। और आपके भाई को भी बड़ी खुशी हुई है यार, वो हमारे कौम का सास है यार। क्यों भाई उनको निकाले, टीम से ड्रॉप करें हम, वो अगर पूरा साल भी परफॉर्म ना करें फिर भी उनकी इतनी सर्विसेज है कि उनको टीम में रखा जाए।
यही तो हमारी कौमी हीरो है। और ये जो टीवी पे अब यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए हैं ये सारे जो करेक्टर्स हैं, इनको तो पैसे से घर जाए। ये अपने आप को अपने अंदर अभी तक सेलिब्रिटीज समझते हैं अपने आप को। ये चाहे जो मर्जी में नाम ले रहा, ये अपने आप को अभी दूसरों को सेलिब्रिटी, ये अपने आप में अभी तक सेलिब्रिटीज बन के बैठे हुए हैं। भाई अब तुम्हारा दौर ख़त्म हो चुका है, अब नए लोगों को आने दो, उनको बनने दो, अपनी बातें छोड़ो बस, तुम जहाँ तक थे ख़त्म। इसके अब ये भी मैं इनकी ये भी अब कुछ अर्से बाद 8 बाबर आजम का कितना 5 10 5 7 साल 35 साल की उम्र तक खेल लेगा बस। उसके बाद यार उसके बाद नए हीरो आएंगे हमारे, तो बस ख़त्म। आप जो यूट्यूब चैनल पे आके लोगों की क्यूरियोसिटी लेके फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बन के बैठ जाते हैं, अब उनको सेलिब्रिटीज़ बनने तो आपका दौर ख़त्म हो चुका है। तो यार बस मैंने आपसे यही बात करनी थी आज की वीडियो में, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसको मस्ट, बाकी इंशाल्लाह आगे के जैसे आपको अपडेट करता रहूँगा कॉमेडी के एपिसोड्स के बना बनाकर। तो इंशाल्लाह यार कल ब्लॉग आएगा, और उससे अगले दिन फिर कॉमेडी कॉमेडी फिर ब्लॉग आएगा, फिर मैं आपको 2 T20 की इकट्ठी दूंगा, 2 T20 की दूंगा फिर। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी आगे यार 5 और T20 पड़े हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है यार। फिर ट्राई सीरीज़ भी आ रही है, बांग्लादेश न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है इंडिया 23 को इंडिया पाकिस्तान का फिर से यार, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी आपको भाई अभी भी खांसी आ रही, अभी भी खांसी आ अभी भी तो बस यार इस ब्लॉग को यहीं पे यहीं पे एंड करते हैं। तो इस ब्लॉग को मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी भाई को दुआओं में याद रखा है, इंस्टाग्राम पे वो फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।